Good morning, students. Myself Sachin Rana, PGT Mathematics, and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School, Kalayat. तो आज हम 9th क्लास में जो चैप्टर 8th है, that is quadrilateral, उसमें एक्सरसाइज 8.2 जो है वो कंटिन्यू करेंगे सेकेंड क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसका, और मैं पहले तो ये सजेस्ट करूँगा जिस भी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि उसमें हमने 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वो बच्चे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, ठीक है, उस लिंक पे जाकर वो फर्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, मैं जितनी भी वीडियोज़ बनाता हूँ उन सबके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ, ताकि आप प्रेजेंट वीडियो को प्रीवियस वीडियो से लिंक कर सके। अगर आपने कोई प्लेलिस्ट तैयार नहीं कर रखी है तो ढूंढने में दिक्कत आती है, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी। क्वेश्चन है ABCD इज ए रोम्बस एंड PQ R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD and DA respectively. Show that PQRS is a rectangle. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि ABCD एक रोम्बस दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं बनाऊं डायग्राम, मान लीजिए हमने ऐसे डायग्राम बना लिया जिसमें आपको दे रखा है, क्लियर सा बना लेते हैं। ABCD ये क्या दे रखा है, रोमबस दे रखा है, और जो PQRS है वो मिड पॉइंट दे रखे हैं साइड्स AB के, मतलब AB का जो मिड पॉइंट है वो है P, BC का है Q, CD का है R, और जो AD है इसका है S, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं हमें PQRS। ठीक है, शो करना है हमें PQRS रेक्टेंगल है, तो अगर मैं इनको आपस में मिला दूं तो PQRS ऐसे शेप बन गई है। तो प्रूव करना है हमें कि जो PQRS है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले जो लिखना है हमें वो लिखना है गिवन। तो उसके लिए देख लेते हैं ज़रा। देखिए स्टार्टिंग करेंगे, जब सबसे पहले लिखना है गिवन। गिवन में देखिए क्या है, ABCD एक रोम्बस दे रखी है आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे ABCD इज अ रोम्बस एंड, और जो PQRS है वो क्या है, मिड पॉइंट्स है, एंड PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ देयर
ये हो गया गिवन। अब बात करते हैं टू प्रूफ की। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। पी क्यू आर एस है जो वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, हमें प्रूफ करना है। तो चलिए चेक करते हैं, डायग्राम बना लीजिए आप, प्रूफ देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले तो हम एक चीज क्या करेंगे, इससे पहले एक कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटी सी। मैं ए और सी को ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये कंस्ट्रक्शन में लिखा जाएगा, कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा ज्वाइन ए सी, ठीक है। हमने क्या किया, ए सी को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए प्रूफ पे आते हैं, सबसे पहले देखिए अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं ए बी और सी की, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें पी और क्यू है जो वो मिड पॉइंट्स हैं ए बी और बी सी के, तो इसमें लिखेंगे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। भाई जो ए बी सी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के जो दो साइड हैं ए बी और बी सी, उनके मिड पॉइंट है पी और क्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊं तो देखिए क्या आएगा, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी गेट। देखिए तो क्या होगा, जो पी क्यू होगी वो पैरेलल होगी ए सी के, ठीक है, और पी क्यू क्या होगी, हाफ होगी किसके, ए सी के। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, इक्वेशन वन। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन वन मान लिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ए डी सी ट्रायंगल की, तो हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी इस ट्रायंगल में ऐसा रह जो, ठीक है, वो भी ए सी की पैरेलल होगी। क्यों होगी पैरेलल, क्योंकि एस और आर क्या है, मिड पॉइंट है ए डी और डी सी के। हम लिख सकते हैं कि एस एंड आर आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए डी एंड डी सी ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, सो एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, इक्वेशन इसको टू मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों को अगर मैं देखूं इक्वेशन वन और टू से, तो हमें क्या मिलता है वो देख लेते हैं। ये हम मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, देखिए पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, एस आर के, क्योंकि पी क्यू ए सी के, यहाँ पर ए है ए सी के पैरेलल है और एस आर भी क्या है, ए सी के पैरेलल है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर,
क्योंकि ये AC का हाफ है और SR भी AC का हाफ है, ठीक है। तो PQ पैरेलल हो गया SR के, PQ पैरेलल हो गया SR के, मतलब इक्वल हो गया। तो ये दोनों साइडें पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, इट मींस PQ RS क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो हम लिख सकते हैं सो PQ RS इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, इसका मतलब PQ RS क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। हमें बोल रखा है, गिवन है कि ABCD क्या है, कि रोम्बस है। तो हम लिखेंगे एस ABCD इज ए रोम्बस सो ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। चारों साइड जी जो साइड हैं चारों चारों इक्वल हैं, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी में जाएगा। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है, मैं अगर हाफ कर दूं इनका, ए बी अपॉन टू इज इक्वल टू बी सी अपॉन टू, तो वो भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है। क्योंकि इक्वल साइड्स का अगर आप हाफ करते हैं, डबल करते हैं, वो क्या रहता है, इक्वल ही रहता है। अब ए बी का हाफ देखिए क्या आएगा, ए बी का अगर मैं हाफ कर दूं, पी मिड पॉइंट है, तो ये क्या आ जाएगा, बी पी। इट मीन्स दैट विल बी बी पी इज इक्वल टू बी सी का हाफ करेंगे, दैट विल बी बी क्यू आ जाएगा। अब देखिए बी पी किसके इक्वल आ जाएगा, बी क्यू के इक्वल आ गया, ठीक। अगर ये दोनों एक साइड इक्वल हो गई, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे इस ट्रायंगल में, बिकॉज वी नो दैट द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो नाउ इन ट्रायंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू वी नो दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। वन किसके इक्वल आ गया, एंगल टू के इक्वल आ गया, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, वन किसके इक्वल आ गया, टू के इक्वल आ गया। इनको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन आ रही है थ्री, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखते हैं हाँ जी, अब देखते हैं ये ट्रायंगल, एक तो सी क्यू आर और एक ए पी एस। नाउ इन ट्रायंगल सी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए पी एस, एक तो होगी ट्रायंगल सी क्यू आर ये, एक हो जाएगी ए पी एस ये, ठीक है। इनमें देखिए सी क्यू किसके इक्वल होगा, ए पी के। सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए पी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक रोम्बस है और ये दोनों क्या है, इसके मिड पॉइंट्स है। तो रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड पी एन क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ देयर साइड्स, ये क्या है, मिड सॉरी मिड पॉइंट है, ठीक। सिमिलरली सिमिलरली क्या होगा, ये भी तो इक्वल है, ए डी डी सी के भी तो इक्वल है, और एस और आर क्या है, मिड पॉइंट है, किसके, ए डी के और डी सी के। तो इस वजह से ए एस किसके इक्वल हो जाएगा, सी आर के। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली सी आर इज इक्वल टू एस
ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, और पी एस के इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू आर, ऑल्सो क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, क्यों, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, क्योंकि हमने इम्प्रूव किया था कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इट मीन्स पी एस और क्यू आर क्या है, इक्वल है। अब देखिए एस 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 हम लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल सी क्यू आर इज कॉम्पोनेंट टू ट्रायंगल ए पी एस बाय एस 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 रूल, कौन से रूल से, एस एस रूल, एस 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 रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉम्पोनेंट होगा, यहाँ तक आ गया समझ, ठीक है। अब देखिए अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों, इट मींस बाय सीपीसीटी मींस कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इनके एंगल और साइड्स भी इक्वल होंगे, तो इसको अगर मैं मान लूँ एंगल 3 और इसको मान लूँ एंगल 4, तो हम लिख सकते हैं दस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो दोनों एंगल क्या हो गए, 3 और 4 क्या हो गए, इक्वल आ गए, ठीक है। अब पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास एंगल 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, ये और 3 और 4 यहाँ से आ गए। अब देखिए आगे जो हमें प्रोसीड करना है, देखिए इन तीनों का सम कितना होगा, इसका इसका और इसका 180। नाउ एंगल 1 प्लस इसको मैं P मान लेता हूँ, प्लस एंगल इसको पूरा लिखिए SPQ प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर से, ये और ये ऐसे इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, ये भी लीनियर पेयर से। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है, तो ये 180 180 हो गए। अब अगर ये दोनों 180 है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली द लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल, तो हम लिख सकते हैं सो एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 1 किसके इक्वल है, 2 के, 3 किसके इक्वल है, 4 के। Now, as angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4, that implies angle 1 plus angle SPQ plus angle 3 is equal to angle 2. 2 1 के इक्वल है, तो 2 की जगह 1 लिख दीजिए, plus angle PQR plus angle 4, 4 3 के इक्वल है, इसको 3 लिख दीजिए, ठीक है, 1 2 के इक्वल था और 3 4 के इक्वल था, हमने इनको यूज कर लिया, ठीक। अब क्या हुआ देखिए, एंगल 1 से एंगल 1 जी कैंसिल हो गया, एंगल 3 से एंगल 3 भी कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या, एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल है, ठीक है, और पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम में हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो सोचिए कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल है, और हमें पता है रेक्टेंगल क्या होते हैं, रेक्टेंगल इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम को ही रेक्टेंगल बोलते हैं, कब, जब पैरेललोग्राम में एंगल कितने डिग्री के हो जाए, 90 डिग्री के। तो वही हमें प्रूव करना है बेसिकली कि एंगल क्या है, 90 डिग्री के। देखिए अब जो ये दोनों एंगल हैं, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो एंगल एस पी क्यू और एंगल पी क्यू आर है, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, सो एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको, इक्वेशन को मैंने फाइव मान लिया। अब एस पी क्यू की जगह मैं पी क्यू आर लिख सकता हूँ, या पी क्यू आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, एस पी क्यू लिख सकता हूँ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दीजिए, यूजिंग इक्वेशन फाइव। ठीक है, अब देख एस पी क्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा टू टाइम एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू से कैंसिल हो गया 90 डिग्री। तो एंगल एस पी क्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, एस पी क्यू हो गया 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब ये क्या है, एस पी क्यू 90 है तो ये भी 90 हो गया। तो हम इसमें इसको एंगल पी पी मान सकते हैं, दैट इज लिख सकते हैं एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी भी 90 डिग्री, क्यू भी 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखिए पी और क्यू 90 डिग्री हो गए, अब बात करते हैं एस और आर की। नाउ एज पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, तो अब क्योंकि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है कि अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस एंगल, सो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इट मींस दैट एंगल पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। अब देखिए पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम पहले से ही था, सारे एंगल 90 डिग्री के भी हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल हो गया। तो इसके बाद लिखेंगे दस we can say that PQRS is a rectangle. Hence prove. ठीक है, हमने प्रूव कर दिया PQRS क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको एक क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन हमने किया है कंप्लीट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी हो चुका है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, जो वीडियो है, जो लिंक दे रखा है एक्चुअली, उस लिंक पर आप जाएँ और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको समझें ध्यान से। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन हमारे अभी क्या है। थर्ड क्वेश्चन है जो, वो ऐसा ही है, मतलब थ्योरम टाइप ही है आपके। तो मैं सबसे पहले तो सजेस्ट करूँगा आपको कि आप खुद ट्राई करें। एक्चुअली इनमें जो ये क्वेश्चन हैं, आपने खुद भी देखा होगा, आज पूरे लेक्चर में हमारा एक ही क्वेश्चन हुआ है। तो इसलिए इस चैप्टर में एक्सरसाइज भी दो ही दी गई है,
और उनमें क्वेश्चन भी इतने नहीं हैं क्योंकि ये लेंथी होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक दिन में अगर आप जैसे होमवर्क है वो रेगुलर कीजिए, तो इसलिए होमवर्क में भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए जाते, क्योंकि हमें पता है जब हम करवा रहे हैं हमारे पास पूरे लेक्चर में ही एक क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, ठीक से अगर समझाएं तो स्पीड भी खींचेंगे हम, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको हमें डायग्राम भी बनाना है, फिर समझाना भी है, ठीक है, और आपको प्रॉपर वे में लिखना भी है, पहले गिवन फिर टू प्रूफ फिर प्रूफ ऐसे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में 8.2 कंटिन्यू करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।